हेलो मैकेनिक भाइयों, तो आज हमारे पास है हीरो की HF डिलक्स। तो इसमें देख पा रहे हैं प्रॉब्लम, इसमें बताएंगे आप लोगों को क्या है और दिखलाएंगे भी। तो अभी हमने ऑन किया और यहाँ पे चेक इंजन लाइट जल रहा है। अब इसको स्टार्ट करते समय ये चला जाना चाहिए, बाइक स्टार्ट देख सकते हैं, बाइक स्टार्ट कंडीशन में, और ये हमारा जला का जला रह जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएँगे आप लोगों कि ये जो चेक इंजन लाइट है इसे हम कैसे हटाएँगे। चेक इंजन लाइट और FI लाइट ये इसे ही बोलते हैं। तो चलिए इसको बताएंगे इसको कैसे हटाना है। चाबी ऑन किया, स्टार्ट किया, देखिए इंजन गाड़ी स्टार्ट है फिर भी यह जल रहा है। तो चलिए इसको बताते हैं। इसको हटाने के लिए हमें चाबी को 3 से 4 बार ऑन ऑफ करना होगा और 1 से 5 सेकेंड के अंदर गाड़ी को बंद करना होगा, तभी ये हमारा ये चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को हम करके दिखा देते हैं। चाबी ऑन किया, बाइक को स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 देख सकते हैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा रहे हैं। चेक इंजन लाइट जो हमारी लाइट थी वो अब चली गई है। तो इसको ऐसे ही हटा सकते हैं, देख सकते हैं स्टार्ट किया बंद, चाबी ऑन ऑफ अपने आप, स्टार्ट किया बंद। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताना था। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्पफुल जानकारी मिली होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरह की न्यू वीडियो आप लोगों को बताएंगे रहेंगे और न्यू टॉपिक के बारे में जो अपडेट आते रहेंगे बाइक में हम आप लोगों को बताएँगे। ये इसलिए चेक इंजन लाइट जल जाता है, कभी कभी जो ये सेंसर लगे होते हैं ये सब हिल जाते हैं और पानी पहुंच जाता है, कार्बन लग जाता है कभी कभी, तो इसलिए ये चेक इंजन लाइट जला का जला रह जाता है। और जब कोई किसी भी तरह का कार्बन वार्बन नहीं लगता फिर भी चेक इंजन लाइट ऑन रहता है, तो समझ लें इसमें का कोई सेंसर ख़राब है। तो इसमें यही सब कुछ बताना था, देख सकते हैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा दूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।